हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं बहुत मस्त हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, मैंने आज हेयर वॉश किया था और अब मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ FRI। वैसे तो मैं आपको बहुत बार FRI घुमा चुकी हूँ, लेकिन आज वहाँ कुछ खास चीज़ें जो कि मैं आपको वहीं जाके बताऊँगी कि वो खास चीज़ क्या है। तो आप, मैंने अभी गीले ही बांध अपने बांध लिए, वहीं धूप में सूख जाएंगे, तो मैं निकलती हूँ अभी। मिलती हूँ मैं आपको FRI पहुँचने के बाद। चलिए आप भी मेरे साथ। गाइज, मैं पहुँच चुकी हूँ FRI और आज मेरा यहाँ पर आने का मकसद था आप लोगों को कुछ दिखाना, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, देसी खादी टाइप के सामान। मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ यहाँ पर सब चीज़। ये देखिए, मेरे पीछे आपको बिल्डिंग दिख रही होगी, ये बिल्डिंग के जस्ट बगल में लगा हुआ है। और अब हम चलते हैं अंदर और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है। ये जा रहे हैं अब हम अंदर, देखते हैं। ये काउंटर हेल्प डेस्क का है। यहाँ पे सारी ये बुक्स है, उत्तराखंड वास की खेती वगैरह की, खेती के ऊपर है ये सारी की सारी बुक्स। ये देखिए, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून का। देखिए यहाँ पे खेती नहीं है, जिसके पास लैंड नहीं है, तो इस तरह अपनी स्किल आप डेवलप कर सकते हो ना। इस तरह के मुंजे की चीजें हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह बनाना आप सीख लो। हमारे यहाँ ट्रेनर होते हैं, महिलाएं होती हैं, महिला ट्रेनर होती हैं। कहाँ पर होती है? इलाहाबाद प्रयागराज, हमारे सेंटर का नाम है। अच्छा अच्छा हमारा जो सेंटर है ना, ये जो है कि उसका नाम है पारी पुनर वन अनुसंधान केंद्र प्रयागराज। अच्छा अच्छा ये FRI का ही एक ब्रांच है। जैसे FRI के अदर ब्रांच है ना, वैसे ब्रांच है प्रयागराज इलाहाबाद UP में। ये हमने लगा रखा है सेंटर का। तो हमारे यहाँ रिसर्च के तो काम रहते हैं, पौधे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, पेड़ पौधे लगवाता है ना, प्लांटेशन का काम होता है। जी हाँ जी। तो प्लांटेशन के अलावा जो हम प्लांटेशन करते हैं, तो उसमें कौन सी वैरायटी है, उसमें कौन सी डिजीज लग रही है, कब प्लांटेशन करें, तो वो सारी चीजें हम जो है अपने पब्लिकेशन में जितने होते हैं ना, इस सारे पब्लिकेशन में हमने राइट अप कर रखा है, पब्लिश हो चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में पेपर। उसके बाद ये बुक के चैप्टर में भी आ गई है। अब इसके बाद फिर ये जो है कि और हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग लोकल हो, आपके पास, हमने जैसे कहा कि मेरे पास खेत तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ प्लांटेशन करूँगी। जो रोड साइड है, जो गवर्नमेंट वाला जो एरिया है, वो तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो अब खेत नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह की चीज़ें, ये जानते हो ना, कांस सैक्रा मुंजा बोलते हैं गाँव में, तो इस कांस को आप इकट्ठा करोगे, कांस से इस तरह की अगर चीज़ें आपको बनाना सीख लो तो कैसी लग रही है। एक देखते जाओ ज्वेलरी नेकलेस आपके लिए मैडम, एक दिखाता, ये देखो ये पूरा बांस का बना हुआ है, चिपका देते हैं। अंदर भी चेन है, अच्छी क्वालिटी की चेन है, ऐसी बोलनी है खराब चेन बिल्कुल। और हम देहरादून के ही हैं, प्रेम नगर ही रहते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ हो नहीं है, शिकायत घर से भी जाते हैं हमारा। ये देखिए, यहाँ पर ये बांस की लकड़ियों से बना हुआ है पूरा सामान, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बैठने के स्टूल वगैरह, ये शीशे का, ये हाथ से बने हुए घंटी है ना। अच्छा, ये सारा प्रोडक्ट आप जो देख रहे हैं, ये हैंडमेड प्रोडक्ट है इन लोगों का। और ये जो पर्स वगैरह हैं, गुलदस्ते हैं, ये बहुत सुंदर लग रहा था, पेंटिंग वगैरह, ये सब कुछ हैंडमेड है और बहुत सुंदर था। ये बांस से बना हुआ है भैया? अच्छा, रिंगाल का है ये। अच्छा, फ्रेंड्स, इधर वाले स्टॉल में सारा गढ़वाल का सामान है, जो बांस से और रिंगाल वगैरह जो होता है उससे बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ सब कुछ। हाँ जी हाँ जी, ठंडाई। हाँ जी, थैंक यू।
ये गुलकंद है उसमें और खजूर है, ये जिसके बगल है। अच्छा मैं भी कुछ खाऊंगा। ये है, खा के देखो, टेस्टी है। ये कितने का है? हां जी 5 ठंडे है, ये 100 का। अच्छा 100 का 1 लीटर दूध के लिए। ये पकोड़े की प्लेट है, 60 रुपीस प्लेट का। अच्छा ये इसी के बने हुए हैं हमारे ना, मतलब हां ये पकोड़े आप अभी बना के 60 रुपीस की दे रहे हो ना। गोरा और आलू प्याज। यहाँ से हमने पकोड़े ले लिए, अब इनको टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसा है इनका। एक मिनट, अच्छा लग रहा है, यहाँ रख दे, यहाँ रख के खा लो, यहाँ रख के खाओ। टेस्ट अच्छा है पापा। ये देखिए देसी गीजर व चूल्हा, ये इस टाइप से बना हुआ है कुछ। और ये देखिए घरेलू गैस लकड़ी का चूल्हा है ये। मम्मी यहाँ से काम करता है देखिए। मम्मी हम लोग बिल्कुल जहर मुक्त खेती करते हैं। अच्छा, गाय के गोबर और गोमूत्र का हमारी खेती होती है सारी। जी जी, उससे हम करते हैं सर। ये गाय का देसी है, देसी गाय का। कल बिक गया था वो। यहाँ पर आपको ये होममेड अचार मिल जाएगा। ये देखिए होममेड है ये पूरे पैक्ड, लहसुन का मिक्स वाला सारा का सारा, और ये मशरूम पाउडर वगैरह सब बैग्स होममेड है सब कुछ। ये देखिए ये पेड़ हैं अलग अलग चीजों के। आपको यहाँ पर हाथ से बने हुए गरम कपड़े, खादी कपड़े भी मिल जाएंगे। मैं जा रही हूँ अभी देखने के लिए, आपको भी दिखाती हूँ वो कपड़े सारे। कटहल अचार, हाथ से बने हुए शॉल, ये आंटी बना भी रही है यहाँ पे, देखिए। हाथ से बने हुए शॉल, ये देखिए। यहाँ पर आपको हाथ से बने हुए स्वेटर्स, मोजे, कैप और स्टॉल्स मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। ये ऊन से बने हुए होते हैं। और यहाँ पे ये आंटी गरम गरम पकोड़े सेक रही है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे, मैंने टेस्ट किए थे और बहुत अच्छे थे। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी शॉप्स लगी हुई है, छोटे छोटे शॉप्स, और यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी आपको। आप प्लीज़ आइए एक बार यहाँ पर विज़िट कीजिए और यहाँ से कुछ सामान लीजिए, होममेड सामान है सारा, बहुत अच्छा है, ज़रूर आइएगा आप यहाँ पर। यह आपको चने की दाल, अचार, आटा, मक्की का, गेहूँ का सब मिल जाएगा यहाँ पे। और नवी यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत घूम चुके हैं, थोड़ा सा और हमें घूमना है। मैसेज भी आ गया। और यहाँ पर आपको होममेड सारा सामान मिल जाएगा। यहाँ पे वो आंटी पकोड़े बना रही थी हाथ से, और 60 रुपए की प्लेट दे रही थी वो। आप आइए यहाँ पे पकोड़े टेस्ट कीजिए उनके हाथ से बने हुए, उनका हाथ से बने हुए पूरा खादी सामान, पूरा शॉल्स वगैरह थे, टोपे, स्वेटर, मोजे सब कुछ मिल जाएगा आपको। एक बार आके आप यहाँ पर देखिए ज़रूर। यहाँ पे लगा हुआ पतंजलि का, यहाँ पे सारा पतंजलि का प्रोडक्ट रखा हुआ है, खाद वगैरह। ये देखिए कुछ कई प्रकार के पौधे हैं, देखिए सब में उनके नाम लिखे हुए हैं सब चीज़ में। ये देखिए साल फॉरेस्ट प्रोटेक्ट ट्रस्ट। यहाँ पर आपको सभी प्रकार का सामान मिल जाएगा जो जो घर में यूज़ होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध तरह से बनाया हुआ है, सब कुछ होममेड है।
गाइज मैं आ गई हूँ FRI के फ्रंट में। यहाँ पर थोड़ा सा घूमने के लिए आई थी और धूप लग रही है सामने से बहुत अच्छी, यहाँ पर बैठ के अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ पे पूरी एग्जीबिशन देख ली है। आप लोगों को भी समय मिले तो आप लोग भी यहाँ पर आइए। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करके जाती हूँ घर की तरफ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने एक दो सामान ले लिया था, मैं आपको घर जाके वो वीडियो इसमें ऐड कर दूँगी। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।